प्लीज हमारे चैनल अनुज कुमार को सब्सक्राइब करें और सिलाई से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिजाइनर बाजू बनाऊंगी, मोती लगा के बताऊंगी, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है कि मैं उन्हें मोती वाली बाजू बताऊं, तो मैं स्पेशली ये बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बाजू का कपड़ा लिया है और जो हमने इसकी लंबाई ली है बाजू की वो हमने तैयार ली है 15 इंच, और 1/2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, और इसमें हम अलग से एक पट्टी ज्वाइंट करके लगाएंगे, और उसके बाद जो हमने इसकी चौड़ाई ली है वो हम जैसे हमने आर्म होल अपने 7 इंच के कट किए थे तो उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो हम 1/2 इंच सिलाई के लिए तो हम 9 इंच लेंगे। इसे पूरा यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, और इधर से भी हम इसे 9 इंच कर लेंगे। ये हमारा 9 इंच है कंप्लीट। और देखिए इस कोने से बिल्कुल यहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप बनाते हुए लाएंगे यहाँ पे, और जो हमारी नीचे से चौड़ाई है बॉटम की वो जैसे हमारी 5.5 है तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 6.5 इंच, और इसको हम इस निशान से इस तरीके से मिलाएंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। और सॉरी, जैसे मैं इसमें मोती लगाऊंगी तो मैंने आपको ये चीज बताई नहीं है, इसमें हमें 1 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें बीच में से कट लगाएंगे तो सेंटर में, तो हम इसमें 1 इंच और कपड़ा ज्यादा लेंगे इतना, और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए जैसे हमने इस पे ड्राफ्टिंग की है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब उसके बाद जैसे हमारे बाजू की कटिंग हो गई है तो हम इसमें करीबन 1 इंच का नीचे गैप देंगे, और इसकी हम कटिंग कर देंगे 2 पीस उठा के। देखिए ये 2 पीस नीचे छोड़ेंगे और 2 पीस की कटिंग करनी है बिल्कुल बीच से। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बाजू को ऐसे फोल्ड करने के बाद ये थोड़ी हाफ ही बनती है, ज्यादा लॉन्ग बाजू नहीं होती है, थोड़ा इसमें ऊंची रहती है। तो देखिए सेंटर बिल्कुल नाप लेंगे इसको सेंटर से, और बीच से इसको कट करेंगे हम। ये हमारी 2 बाजू है और ये सेंटर से बिल्कुल हम इसे कट कर देंगे, अलग कर देंगे बाजू को। और अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। अब देखिए मैं आपको सिलना बताऊंगी। सबसे पहले हमने जो सेंटर कट किया था ये 2 बाजू को ऐसे बराबर में रख लेंगे, और ये देखिए हमने ये 2 पट्टियां कट की हैं, ये हमने 1.25 इंच की 2 पट्टियां कट की हैं, और इन पट्टियों को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे। सीधी पट्टी कट की है हमने ये 1.25 इंच की, और रखने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसको हम, और ये हमारी दूसरी वाली बाजू है, इसके ऊपर भी हम ऐसे उल्टा सीधा देखने के बाद तब लगाएंगे। अभी देखिए सीधी पट्टी सिलने के बाद इसको हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा वो धागे वगैरह है वो अंदर की तरफ आ जाएंगे हमारे, और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजू में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है।
ये देखिए, ये इसकी सीधी साइड है। अब हम दूसरी वाली पट्टी को भी ऐसी पलट पलटेंगे। ये देखिए, दूसरी वाली बाजू को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। उल्टे सीधे का ध्यान रखना। अगर आपका प्रिंटेड कपड़ा हो तो ये आपको खास ध्यान रखना है उल्टे सीधे का। ये देखिए, जैसे आर्म होल की तरफ ज्यादा कपड़ा निकला है, ये इसको हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे और इसको भी हम इधर से ऐसे ही बराबर करेंगे। अब ये देखिए, दोनों बाजू हमने बना के तैयार कर ली हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करीबन यहाँ से एक या आधा इंच का गैप देते हुए एक पट्टी लेनी है। ये सीधी पट्टी देखिए, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद और एक सिलाई लगाएंगे। ऐसे आप कोई भी कपड़ा ले लें। वे देखिए, इसको हम इस तरीके से रखेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो हमारे आर्म होल के लिए हम यहाँ पर ऐसे ही से सिलेंगे। और आप जितने मोती लगाना चाहें इतना आप इसमें गैप रख सकती हैं। जैसे मैं इसमें दो दो मोती लगाऊंगी तो दो दो मोती के हिसाब से हम इसमें इस तरीके से गैप रखते हुए और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए, हमने एक पट्टी लगा ली है ऊपर। अब उसके बाद जो हमारा ये नीचे वाला बॉटम है, इसके लिए हमने एक पट्टी कट की है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। ये हमें सीधी साइड रख के उल्टी साइड फोल्ड करनी है। ये दोनों बाजुओं के ऊपर हम ऐसे ही लगाएंगे। इसको देखिए, हम इस तरीके से उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे पट्टी को। अगर आप इसमें और कलर की लगाना चाहती हैं तो आप और कलर की लगा सकती हैं। पाइपिंग लगाना चाहती हैं वो भी लगा सकती हैं इसमें। ऐसे हम इस दूसरी वाली बाजू को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये बॉटम पे से भी और यहां से भी इसे तैयार कर लिया है। मैं आपको इसमें मोती लगाना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने ये मोती लिए हैं, मैं इनको इस बाजू के भीतर लगाऊंगी। तो हम बाजू, ये हमने देखिए सुई में फोर लेयर में धागा डाल लिया है, पक्का धागा, जिससे कि ये टूटे ना, कि हम इसे पहनेंगे तो टूटने में, ये पहनने में दिक्कत होगी। तो देखिए, हम पहले ऐसे निकालेंगे सुई को, फिर इसे एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और फिर हम इसमें ऐसे मोती डालेंगे जितने भी आए, दो तीन। आप ये चीज का हिसाब देख लें, ये हमारे इसमें करीबन दो मोती आएंगे। अब इतना ही डिस्टेंस हम इस साइड में देंगे और ये देखिए इस तरीके से लगा के, और वापस हमें मोती के भीतर से ही सुई निकालनी है ये इस तरीके से। इससे हमारा ये और पक्का हो जाएगा। और फिर हम यहाँ से ऐसे ला के, और देखिए जितना आपको डिस्टेंस रखना है आप उतना डिस्टेंस इसमें रखने के बाद, और फिर सुई को ऐसे ही नीचे से निकाल सकती हैं। आपको बार बार की धागा डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा टांका लगा के ऐसे एक बार और लगा लें, अगर थोड़ा सा और डिस्टेंस देना चाहती हैं तो। ये हमारा दिखाई नहीं देगा। और फिर से हम दो मोती डालेंगे इसके भीतर। और ये पट्टी हमने इसलिए लगाई है कि हम इसमें बाजू लगाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, सॉरी, आर्म होल में ज्वाइंट करेंगे। अभी देखिए, इसको भी हम ऐसे ही लगाएंगे इतना ही डिस्टेंस देके। ये हमारा डिस्टेंस खुद ही बन जाता है। और ऐसे ही मोती के भीतर से सुई को निकालना है वापस ऐसे। अगर आप और ज्यादा गैप रखना चाहती हैं तो आप और ज्यादा गैप रख सकती हैं इसमें, तीन मोती का, चार मोती का। अब ऐसे ही हम इतना ही डिस्टेंस देके दोबारा ऐसे निकालेंगे सुई को वापस।
और फिर से इसमें दो मोती डालेंगे। बहुत इजी है, आप ये किसी भी कलर की बाजू के ऊपर मोती लगा सकती हैं और बिल्कुल सेंटर में लगाने होते हैं हमको। ये देखिए, और मोती को वापस से, सुई को वापस से मोती में से निकाल के बाहर निकालना है ऐसे। अब आप नजदीक लगाना चाहती हैं तो बिल्कुल आपका मोती जैसा डिजाइन आएगा, मतलब आप बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं रखना चाहती हैं। अगर आप थोड़ा गैप दे के लगाना चाहती हैं तो आपका इस तरीके का डिजाइन आएगा और ये बिल्कुल हमारे सेंटर में आएगा। अब इसी तरीके से हम ही लगाएंगे। देखिए, फिर से हम दो मोती डालेंगे इसके भीतर। ये देखिए, इस तरीके से आ रहा है इसका डिजाइन, और बिल्कुल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, और आपको बार बार की धागा डालने की, वो निकालने की, तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये धागा बिल्कुल मैच कर लें तो थोड़ा सा डिस्टेंस दे के नीचे से निकाल लें तो एकदम अच्छा आएगा ये। और देखिए, अगर आपने, मान लो मैंने 2 इंच का गैप रखा है और 3 इंच का गैप रखा है, मोती दो डालूंगी तो मोती लूज आएंगे। अगर आपने 3 इंच का गैप रखा है तो आपको 3 ही मोती लेने हैं, ऐसा नहीं कि ये लूज आए। बिल्कुल खींच के लेंगे तो हमारे यहाँ पे झोला आ जाएगा, क्योंकि हमने ये 2 इंच, ये करीबन हमने थोड़ी पट्टी ली है और उसके बाद फिर से हम मोती डालेंगे इसके भीतर। ये आप अगर आधी बाजू पे लगाना चाहती हैं तो आप ये आधी बाजू के ऊपर भी लगा सकती हैं। अब ऐसे ही हम ये जितनी भी हमारी बाजू की लंबाई है, हम ये पूरे में लगा के इनको तैयार कर लेंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये देखिए, यहाँ से भी हमको इतना ही गैप देके ये निकालना है मोती सुई को इस तरीके से। अभी देखिए, हमने ये इतने में तो लगा लिया है, ठीक है। अब जितनी भी इस बाजू की बॉटम तक लंबाई है, हमको बॉटम तक लगानी है, यहाँ तक। यहाँ पे हमको कोई कपड़ा नहीं लगाना, यहाँ पे हमको मोती से ही डिजाइन बनाना है। जैसा हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे हमने इसलिए बनाया क्योंकि जब हम इसमें बाजू ज्वाइंट करें, वो आर्मोल में इसे ज्वाइंट करेंगे तो दिक्कत होगी, मोती से सुई टूटने का डर रहेगा। तो इस वजह से हमारा कपड़ा इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर ही एक पट्टी लगाएं, जितना भी आप मोती लगाना चाहते हैं, नीचे नहीं लगाना। अब इसी तरीके से बना के इसको तैयार करेंगे।